विनीता बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी, पर उसे बचपन से एक प्रॉब्लम थी। वो रात को कभी कभी सोते समय अनजाने में बिस्तर गीला कर देती थी। एक दिन सुबह सुबह विनीता के कमरे से रोने की आवाज आती है। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही है सुबह सुबह? माँ, मैंने फिर से बिस्तर पर सूसू कर दिया। सत्यानाश, आखिर कब तक बिस्तर पर मूर्ती रहेगी तू? अब तो तेरी शादी की उम्र हो गई है। मैं जानबूझकर थोड़ी ना मूर्ती हूँ। कितनी बार कहा था तुझे कल कि कोल्ड ड्रिंक मत पी रात को, सूसू हो जाएगा, पर तू नहीं मानी ना। वो तो बस कोल्ड ड्रिंक पीने का ज्यादा मन हो रहा था माँ। अच्छा खासा 2 हफ्ते से नहीं मूती थी और बस एक दिन कोल्ड ड्रिंक डकस कर दिया ना कांड बिस्तर पर। सॉरी माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। कुछ दिनों में विनीता के पापा उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। देख विनी, अब तू दूसरे घर जाएगी, वहाँ मूत कर हमारी इज्जत मत डुबा दियो। पूरी कोशिश करूंगी माँ मैं। विनीता की शादी एक ऋतिक नाम के लड़के से हो जाती। उसकी सास सविता उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। आओ बहू, अंदर आओ, कितनी सुंदर बहू मिली है मुझे, नजर ना लग जाए। अरे मम्मी जी, आप भी ना। बैठो बहू, आज तुम्हारी पहली रात है, थक गई होंगी शादी की सभी रस्मों में, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। जी मम्मी जी। ये लो बहू, शरबत पियो। क्या शरबत? वो भी रात को? हाँ तो, शरबत पीने में क्या दिन और क्या रात। नहीं, वो मुझे रात को शरबत पीने से जुखाम हो जाता है। अच्छा चलो ठीक है, खाना बन गया है बहू, आजा चल के खाना ही खा ले। सब परिवार मिलके खाना खा रहा होता है। अरे माँ, एक तो मैं शादी से इतना थक कर आ रहा हूँ और ऊपर से तुमने इतना तीखा खाना बनवा दिया कि मुझसे खाया ही नहीं जा रहा। अच्छा, ये हमारे घर के स्टाफ आजकल ठीक से काम नहीं कर रहे, डांट लगानी पड़ेगी इनको। विनीता भी खाना खाना शुरू कर देती है। विनीता 3 ग्लास पानी पी जाती है। चलो बहू और ऋतिक, तुम दोनों जाके सो जाओ, थक गए होंगे। विनीता और ऋतिक कमरे में जाकर सो जाते हैं। विनीता एक सपना देखने लगती है। सपने में विनीता अपनी सहेली के साथ होती है। हे भगवान, कितनी गर्मी है आज, क्या करें ये गर्मी दूर करने के लिए। अरे वाह विनी, देख सामने तो बीच है, चल हम उसमें नहाते हैं। हाँ हाँ चल चल। विनीता और उसकी सहेली पानी में डांस करते हुए। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी है सानी 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 सानी। अरे इस बीच पर नहाने का तो मजा ही अलग है, मैं तो पूरी गीली हो गई। तभी विनीता का सपना टूट जाता है। अरे ये कैसा सपना था, सपने में मैं गीली हो गई थी। तभी विनीता की नजर बिस्तर पर पड़ती है, बिस्तर गीला हो चुका होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया, ऋतिक जी अभी सो रहे हैं, इनके उठने से पहले मुझे कुछ करना होगा। एक बाल्टी पानी लाके बिस्तर पर डाल देती हूँ और थोड़ा रूम फ्रेशनर लगा लेती हूँ। अरे ये गीला गीला क्यों लग रहा है सुबह सुबह? हे भगवान, हमारे बिस्तर पर इतना सारा पानी कहाँ से आया? अरे ये बिस्तर इतना गीला क्यों हो रखा है? वो ऋतिक जी, मम्मी जी, मैं एक बाल्टी पानी लाई थी कमरे में पोछा लगाने के लिए, पर वो गलती से पानी बिस्तर पर ही गिर गया। क्या, तुझे किसने बोला पोछा लगाने को? नौकर है हमारे पास इसके लिए, जा इसे छत पर सूखने के लिए देकर आ। जी मम्मी जी। विनीता हर हफ्ते 1-2 बार इसी तरह से गद्दा गीला करके छत पर सूखने को डाल देती थी। इससे उसकी सास को उस पर शक होने लगता है। एक दिन सास सुबह सुबह कॉन्फ्रेंस कॉल पर आसपास की अपनी सहेलियों से बात कर रही होती है। अरे पता नहीं क्यों मेरी बहू बहुत अजीब हरकतें करती है। क्यों, क्या हुआ? रात को कुछ पानी जूस वगैरह नहीं पीती, बोलती है जुखाम हो जाएगा, और जिस दिन पी लेती है कि अगले दिन पता नहीं क्यों बिस्तर गद्दा वगैरह सब सुबह सुबह धोकर छत पर सुखा देती है। अच्छा, अभी क्या कर रही है तेरी बहू?
इतनी सुबह सुबह तो सो ही रही होगी। जा उसके कमरे में जाकर देख, उसके उठने से पहले भी बिस्तर गीला है क्या। अच्छा अच्छा चल देखती हूँ। सविता बिना कॉल कट किए विनीता के कमरे में जाती है। विनीता अकेले कमरे में सो रही होती है, ऋतिक आज घर पर नहीं होता। अरे हाँ, ये बिस्तर तो अभी भी गीला है। अरे रेखा समझ रही है ना तू। हाँ हेमलता। क्या बोल रहे हो तुम लोग, समझ नहीं आ रहा मुझे। जरा पास जाके देख, कोई स्मेल तो नहीं आ रही। अरे हाँ स्मेल भी आ रही है। अरे क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो। अरे बेवकूफ, तेरी बहू बिस्तर गीला करती है, बिस्तर पर सूसू कर देती है। क्या नहीं, क्या हुआ माँ जी। कल मुही तो बिस्तर गीला करती है, शादी से पहले बताया क्यों नहीं तूने हमें ये। आपको कैसे पता चल गया माँ जी। मुझे छोड़, अब मेरी इन कमीनी सहेलियों को भी पता चल गया, ये पूरे मोहल्ले को बता देंगी कि मेरी बहू बिस्तर गीला करती है। सविता कॉल कट कर देती है। तूने शादी से पहले हम लोगों को अंधेरे में रखा, धोखा किया है तेरे माँ बाप ने हमारे साथ। मैं इस शादी को नहीं मानती, चल निकल मेरे घर से। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए माँ जी। बेशरम, तूने हमारी नाक कटवा दी, निकल जा मेरे घर से। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। चुप कर, निकल जा मेरे घर से। तभी ऋतिक घर में आ जाता है। अरे माँ क्या कर रही हो आप। सविता ऋतिक को सारी बात बताती है। क्या विनीता बिस्तर गीला करती है। हाँ मैं क्या करूँ, मैं जानबूझकर नहीं करती, मेरे कंट्रोल के बाहर है ये सब। प्लीज मुझे घर से मत निकालो ऋतिक जी। तुम रो मत विनीता, तुम्हें कोई घर से नहीं निकाल रहा। ये क्या कह रहा है तू, इसकी वजह से हमारी पूरे मोहल्ले में बदनामी हो गई। आपको मोहल्ले की चिंता है माँ, विनीता की नहीं है। अरे इसमें विनीता की कोई गलती नहीं है। क्या, ये एक मेडिकल कंडीशन है, कुछ लोगों को होता है ऐसा, इसका इलाज भी होता है माँ। विनीता का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाऊंगा मैं, मुझे यकीन है कुछ टाइम में विनीता ठीक हो जाएगी। और मोहल्ला क्या सोचता है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, मुझे बस मेरी पत्नी की चिंता है। ऋतिक जी तू सही कह रहा है बेटा, मैंने भी बिना मतलब में बहू को इतना कुछ सुना दिया, इसमें इस बेचारी की क्या गलती। हम बहू का इलाज करवाएंगे, मुझे माफ कर दे बहू। और उसके बाद विनीता का इलाज शुरू हो जाता है। और भले पूरे मोहल्ले को ये बात पता चल जाती है, पर ऋतिक और सविता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आप सभी से अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।